Hey guys, welcome one and all on English Plus. Dear parent, आज UP TGT English का पेपर हुआ है. हम उस पेपर को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें लिटरेचर एंड लैंग्वेज दोनों पोर्शन को हम लोग करने का प्रयास करेंगे. और प्रयास करेंगे कि जितने भी आपको रिस्पॉन्स दिए जाएं, सारे के सारे रिस्पॉन्स ऑथेंटिक हों, जेन्युइन हों. सो लेट्स स्टार्ट UP TGT English 2021 बुकलेट सी. क्वेश्चन नंबर वन, आई वी दियर सिचुएशन बी डिफरेंट. अब देखिए बी का लिखा होता है, बी का मतलब इज एम आर वाज वर्ड, इसे हम लोग कहते हैं सिचुएशन बी. अब इसमें फॉर्म को यूज करना है, कौन सा सही हो सकता है. याद रखिए कि जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, अब उन्हीं पर अप्लाई करना है. तो हैड आई बीन दियर सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट. यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा. Had I been there, situation would have been different. अगर मैं वहाँ पर होता, शायद सिचुएशन उसका कुछ अलग ही रहता उस समय. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू पहुँचेंगे. द बॉस वॉन्टेड टू नो, बॉस जानना चाहते थे, क्या जानना चाहते थे. डन द जॉब, हाउ आई हैड डन, कि मैंने जॉब को कैसे कंप्लीट किया है वो जानना चाहते थे. कुछ लोग हमारे दोस्त हैं ऑप्शन नंबर ए और डी में कन्फ्यूज होंगे. नहीं, इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए ही सही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, फाइंड आउट एंटोनिम ऑफ द वर्ड एम्पल. एम्पल का मतलब होता है प्रचुर या भरपूर मात्रा में. ऑप्शन देखते हैं, एनफ पर्याप्त मात्रा में, सफिशियंट पर्याप्त होता है, मीगर कम या तुच्छ या अल्प होता है, जबकि स्कार्सिटी नाउन है जिसका मतलब कहते हैं कमी होता है. तो यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट को आपको चूज करना है, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. तो थर्ड में कौन सा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ आगे बढ़ते हैं. Which work has been called by Shakespeare as the first year of my invention? William Shakespeare ने जब अपना वर्क लिखा हुआ था और अपना वर्क Venus and Adonis लिख रहे थे. आपको मालूम होगा कि Venus and Adonis एक ऐसी पोएम है जो सिक्स लाइन के स्टेंजा फॉर्म में लिखी गई है, और ये डेडिकेट की गई है हेनरी रिजरले, जो थर्ड अर्ल ऑफ सदम्पटन थे. हेनरी रिजरले थर्ड अर्ल ऑफ सदम्पटन थे, उनको यह डेडिकेट किया गया था. और डेडिकेशन में ही लिखा गया था कि जो वर्ड लिखा है द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन, इसलिए वर्ड क्या होगा, वीनस एंड एडोनिस होगा. क्वेश्चन नंबर फाइव, द कैरेक्टर ओफिलिया. अगर ओफिलिया का नाम आ जाता है तो मेरे ख्याल से कोई भी हमारे ऐसे साथी नहीं होंगे जो हैमलेट वाले ऑप्शन पर टिक ना लगाएं. तो ऑप्शन कौन सा यहाँ पर हो जाएगा आपका, बी वाला. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए. क्वेश्चन नंबर सिक्स, इसमें आपको चूज करना है विच वन इज इनअप्रोप्रिएट, कौन सा गलत है. विलियम शेक्सपियर ट्रू लव सही है, विलियम शेक्सपियर रेवोल्यूशन, विलियम शेक्सपियर रिटन इन अर्ली स्प्रिंग सही है. लेकिन जो कार्पे डिएम है, ये देखिए थोड़ा हम लोग जब पढ़ते हैं मेटाफिजिकल पोएट पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको मिल जाता है, इसलिए आपका बी वाला ऑप्शन अलग हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, फाइंड आउट द बेस्ट अल्टरनेटिव. इसमें से हमको बेस्ट अल्टरनेटिव फाइंड करना है, कौन सा हो सकता है. क्वेश्चन नंबर सेवन में, अब इसमें लिखा है वी हैड अ वेरी मेरी टाइम ऑफ इट लास्ट नाइट. हमको इसको चेंज करना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करेंगे सेवन्थ वाले पार्ट को, तो सेवन्थ वाले पार्ट को चेंज करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा. दैट इज व्हाट अ मेरी टाइम वी हैड ऑफ इट लास्ट नाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट पर चलते हैं हम लोग. इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर ड्रामाज विच प्ले वॉज ओमिटेड, कौन सा प्ले उनका था जो ओमिट किया गया था. शेक्सपियर का ड्रामा में याद रखिएगा, जब शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो आता है 1623 में, तो उसमें 36 प्लेज आते हैं. पेरिकल्स प्रिक्लीज द प्रिंस ऑफ टायर नहीं आता है उसमें. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव फिल इन द गैप्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज. देखिए ये कनेक्टेड नैरेटिव है जिसमें इंट्रोस्पेक्शन की बात की जाती है. अब इंट्रोस्पेक्शन की जब बात की जाती है तो हमारे कुछ ऐसे साथी हैं जो मेमोयर और ऑटोबायोग्राफी पर बहुत ही कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं. तो देखिए बहुत ही अधिक ध्यान मत करिएगा, लेकिन जानना जरूरी है. इस ऑप्शन पे हम लोग मानते हैं, वर्तमान में ऑटोबायोग्राफी वाले ऑप्शन को टिक करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं. अब आइडेंटिफाई आपको करना है इसमें किस वाले पार्ट में गलती है. द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग वर्ड 16. देखिए नंबर ऑफ पीपल, लोगों की संख्या की बात कर दी गई है, तो इस वाले पार्ट में जहाँ अप्लाइंग वर्ड दिया गया है, इस वाले पार्ट में गलती है. क्योंकि
अगर पीपल होता तो वर्क समझ आता था, लेकिन द नंबर ऑफ पीपल, तो ऐसी अवस्था में हमने जो वर्क का यूज किया हुआ है इस स्थान पर अप्लाइंग के साथ में, ये इनअप्रोप्रिएट है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच डिस्क्राइब द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली। देखिए इसमें फोर ऑप्शन दिए गए हैं। पहले आप देखिए, बैनिश फ्रॉम वंस कंट्री, किसी को देश से बाहर निकाल देना, क्या कहते हैं? रिपेट्रिएट, रिपेट्रिएट का मतलब होता है अपने देश को लौट आना। नेक्स्ट वो आपका है इमिग्रेट, इमिग्रेट का मतलब होता है परदेश जाना। नेक्स्ट है इमिग्रेट, इसका मतलब होता है प्रवास करना या अपना देश त्यागना। लेकिन एक्सपेट्रिएट एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है निर्वासित कर देना, उनको वहां से भगा देना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 पहुंचते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर इज नॉट क्लासिफाइड एज अ रोमन प्ले। देखिए, एंटोनियो क्लियोपेट्रा, कैरोलिनस, जूलियस सीजर, इन तीनों प्लेज की जो सेटिंग है वो रोम में ही होती है, लेकिन हैमलेट जो प्ले है इसकी सेटिंग कहाँ होती है? डेनमार्क में होती है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बिस फिगर ऑफ स्पीच डू बी सी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ही वॉज अ गुड टीचर, वह एक अच्छा अध्यापक था, बट अ पुअर स्टूडेंट, लेकिन एक गरीब या कमजोर लड़का था। याद रखिएगा कि जब एक ही सेंटेंस के अंदर दो विपरीत या कंट्रास्ट वाली फीलिंग दी जाती है तो वहां पर होता आपका एंटीथेसिस, एंटी क्लाइमैक्स और बैथोस या आयरनी नहीं होता है। विद इन सेंटेंस अगर कंट्रास्ट वाली भावनाएं दी जाती हैं उसको हम लोग बोल देते हैं एंटी थेसिस, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको मिलेगा 14 नंबर में आपको ट्रिक करना है, कौन सही हो सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मेमोयर, मेमोयर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, तो 14 क्या हो जाएगा आपका? ए, 14 का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। देखिए, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी लिखा गया है, ऑन द लेट मिनिस्टर ऑफ पेडमॉन्ट लिखा गया है, ऑन अराइविंग एट द एज ऑफ 23 ये भी लिखा गया है, लेकिन जो द वर्क है द इनर विजन, यह इनका वर्क नहीं है, इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपको मिलता है 16, 16 को देखते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, किस पार्ट में गलती है? देखिए, राजीव वॉज हैप्पी दैट संजय एंड हिज सिस्टर, कितने लोग हो गए? दो लोग हो गए ना, दो लोग के साथ में आप में वर यूज होगा या वाज होगा? यहाँ पर वर का यूज होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है। याद रखिएगा, जब व्हाट्सएप से मैसेज भेजते हैं तो व्हाट्सएप से मैसेज पे इसमें प्राइवेसी बहुत मामला चल रहा था, वो होता है इंड टू इंड इनक्रिप्टेड होता है, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पहुंचते हैं। 18, मार्क द पार्ट विद द एरर, किस पार्ट में गलती है? अब देखिएगा इस वाले पार्ट में मोस्ट प्रोबेबली किस पार्ट में गलती हो जाएगी? सी वाले पार्ट में गलती हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखना है कौन सा प्रिपोजिशन यूज किया जाएगा। आप एक काम कीजिए, रेन एंड सॉरी पैरामाउंट इंग्लिश ग्रामर की बुक उठाइए, वहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको मिल जाएगा एक फिक्स प्रिपोजिशन, जो प्रिपोजिशन क्या है? फुल ऑफ। प्रिपोजिशन कौन सा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19 में? फुल ऑफ। फुल ऑफ का मतलब होता है से भरा होना, ये एग्जाम्पल स्पष्ट रूप से पैरामाउंट इंग्लिश ग्रामर में दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbness flow. ये कौन सी वर्क की लाइन है? ये लाइन है सॉलिटरी रीपर की। ये लाइन कहाँ की है? सॉलिटरी रीपर की लाइन है। क्वेश्चन नंबर 21, विच आर द फॉलोइंग ऑथर्स है रिटन द लाइन, किसने इस लाइन को लिखा हुआ है? याद रखिएगा, टू विट टोहू अ मेरी नोट वाइल ग्रेसी जोन डथ किल द पॉट। ये वाली जो लाइन दी गई है ये शेक्सपियर का एक वर्क आया था लव्स लेबर्स लास्ट, लव्स लेबर लास्ट के एक्ट 5 सीन 2 की लाइन है, और किसने लिखा हुआ था? विलियम शेक्सपियर ने लिखा हुआ था। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मर्सनरी। मर्सनरी का मतलब क्या होता है? मोटिव टू अर्न मनी, जिसका मतलब होता है धन को कमाना।
विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज नॉट रिटन बाय जॉन गॉल्सवर्थ। देखो डेवन टू मी लिखा हुआ है, रसिया लिखा हुआ है, तो इसमें कौन सा एक एक जो नहीं लिखा हुआ है, पास भी लिखा हुआ है, एडमोनिशन टू अ ट्रेवलर ये नहीं लिखा हुआ है। एडमोनिशन टू अ ट्रेवलर जो है ये विलियम वर्ड्सवर्थ का है, इसलिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पहुँचते हैं। अब देखिए आर्ट ऑफ मेकिंग फायर वर्क्स, फायर वर्क्स जो होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो देखिए इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। एक होता है पायरोटेक्निक्स, पायरोटेक्निक्स का मतलब होता है आतिशबाजी बनाने की कला, जिसको हम लोग बोलते हैं फायर वर्क्स। न्यूमिस्मेटिक्स में सिक्कों का अध्ययन जो होता है, इकट्ठा करना जो होता है। दो अगला है फायरोमैटिक्स, इसका मतलब जो होता है जो कहीं पर जो फायरमैन होते हैं ना, वो कहीं आग लग गई है तो फायरमैन जो प्रोटेक्शन करते हैं, किस तरह से वो अपने आप को वहाँ पर लगा देते हैं, उस कला को बोलते हैं फायरोमैटिक्स। और अगला है सिसेट्रिक्स दिया गया है, जैसे कहीं पर घाव हो जाता है, घाव हो जाने के पश्चात क्या वहाँ जो टिश्यू होते हैं वो उसको रिकवर करने के प्रयास करते हैं, तो वही प्रोसेस जो होती है ऑप्शन नंबर डी होता है। इसमें 24 में क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन, दैट इज पायरोटेक्निक, सॉरी पायरोटेक्निक्स। नेक्स्ट वन इज आपका क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 25। 25 में मेक द पार्ट विद द एरर, किस पार्ट में गलती आपको बताना है। देखिए इस वाले पार्ट में पार्ट नंबर सी में मोस्ट प्रॉबेबली गलती होने की संभावना है, इसको सी कल टिक कर लीजिएगा। चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन बी डिस्क्राइब द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली, जिसका अर्थ निकल रहा है। देखिए मर्डर ऑफ अ ब्रदर, भाई की हत्या करना क्या कहलाता है। पहला वर्ड आपको दिया गया है होमिसाइड, होमिसाइड का मतलब होता है मानव की हत्या करना। इन्फेंटिसाइड, इसका मतलब भ्रूण हत्या या बच्चों की हत्या। फ्रेट्रीसाइड, फ्रेट्रीसाइड का मतलब होता है भाई की हत्या या भ्रातृ हत्या। लास्ट वन इज सोरोरीसाइड, सोरोरीसाइड का मतलब होती है बहन की हत्या। तो वर्ड लिखा है कि भाई की हत्या करना मतलब फ्रेट्रीसाइड आपका हो जाएगा, तो भाई की हत्या क्या हो जाएगी, फ्रेट्रीसाइड। नेक्स्ट 27, इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग को चूज करना है। देखिए इसमें जो करेक्ट स्पेलिंग है वो ए वाला ही सही है, जिसको बोलते हैं कॉन्सोनेंटल, मतलब व्यंजन संबंधी, स्वर और व्यंजन नहीं होते हैं, ओवल एंड कॉन्सोनेंट, वही आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। द करेक्ट स्पेलिंग इज, ये आपका गायनेकोलॉजिस्ट है, जो महिलाओं से संबंधित बीमारी होती है उसके लिए है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी फॉर, ये आपका हो जाएगा डी फॉर डॉग जो होता है गायनेकोलॉजिस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज 29, विच इज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से कौन सा करेक्टली लिखा हुआ है, तो करेक्टली कौन सा इसमें है, बी वाला ऑप्शन दिया गया है, जिसको बोलते हैं कंटेम्प्टिबल, कंटेम्प्टिबल का मतलब होता है घिनौना, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, कंटेम्प्टिबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बनाना है। द स्टोरी इज वेरी ब्यूटिफुल टोल्ड, कहानी को बड़े अच्छी तरह से बताया गया है, तो यहाँ पर लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा हाउ ब्यूटिफुल दिस स्टोरी इज टोल्ड, इस कहानी को याद रखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, जैक बार्थविक इज अ करेक्टर इन, जैक बार्थविक किस में करेक्टर, याद रखिएगा जैक बार्थविक सभी लोग को मालूम होगा, ये सिल्वर बॉक्स का एक करेक्टर है, और सिल्वर बॉक्स किसने लिखा हुआ है, जॉन गॉल्सवर्थी ने लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर इज रिटन इन सिक्स लाइन स्टेंजा, सिक्स लाइन स्टेंजा के बारे में बताया था, ये हेनरी जर्ले को डेडिकेट किया गया हुआ था, ये सिक्स लाइन में लिखा हुआ था, ये ठीक क्वेश्चन, इसको घुमा करके एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है हमारा, तो उम्मीद है आप सभी लोग समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 33, अ सेवन लाइन इयाम्बिक पेंटामीटर, देखो सेवन लाइन का जो होता है वो राइम रायल होता है, ट्रासेट का मतलब तीन से ही लग जाता है, हीरोइक कपलेट, कपलेट का मतलब दो ही हो जाता है, तो सिंपल से आपका ट्रेजर राइम सभी लोग जानते हैं, तो रॉयल रॉयल बचा आपका, रॉयल रॉयल को हम लोग चौसरियन स्टेंजा भी बोलते हैं, जिसकी राइम स्कीम होती है ए बी ए बी बी सी सी, ये आपका होता है राइम रॉयल, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाई जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन के द्वारा कौन सा वर्क नहीं लिखा गया है, ऑप्शन देखिए ऑफ एजुकेशन है, एरोपेडिका है, ऑन शेक्सपियर है, लेकिन अल्मा आर द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड, ये वर्ड जो डी वाला ऑप्शन दिया है ये मैथ्यू प्रायर का है, तो यहाँ पर मैथ्यू प्रायर मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35।
वर्ड्सवर्थ द बॉर्डर्स कम्स अंडर द कैटेगरी। आप देखिए जो बॉर्डर्स है ये फाइव एक्ट का एक वर्स ट्रेजेडी है। बॉर्डर्स क्या है, ये फाइव एक्ट का एक वर्स ट्रेजेडी है, तो यहाँ पर हो जाएगा वर्स ट्रेजेडी है। मिल्टन्स ऑन शेक्सपियर वाज पब्लिश, देखिए पहली बार कब पब्लिश हुआ था ये, 1630 में आता है, फिर 32 में भी आया है, लेकिन पहली बार पूछा जा रहा है कि कब पब्लिश हुआ है, तो वहाँ पर 1630 हो जाएगा, इसको याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 37 पहुँचते हैं। आइडेंटिफाई द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। फॉलोइंग सेंटेंस में जो एरर है उसको बताने का प्रयास कीजिएगा। देखो नीदर माई ब्रदर नॉर माई ब्रदर इन लॉ वर, देखो यहाँ पर वर का प्रयोग नहीं होगा बल्कि वाज का प्रयोग होगा। नाइदर नार, नीदर नार, इधर आर, ऐसे नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये रूल आपको मालूम होने चाहिए। तो यहाँ पर वर नहीं बल्कि वाज का प्रयोग हो, दैट इज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द न्यू मेडिसिन प्रिवेंट द वायरस फ्रॉम ग्रोविंग, ये तो सभी लोग जान रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रॉम ग्रोविंग हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 39 चलते हैं, 39 एंड 40। एमंग फॉलोइंग सेंटेंसेज विच इज नॉट करेक्टली पंक्चुएटेड। अब देखिए पहला वाला पंक्चुएटेड है, दूसरा वाला नहीं है, क्यों? अब देखिए दूसरे वाले को मैं बताता हूँ कैसे नहीं। देखो अगर लिखा है मैन, मैन को हमने डबल इनवर्टेड कॉमा में रखा हुआ है, लेकिन अब याद रखिएगा इस स्थान पे कॉमा बंद करने के बाद ही नीचे कॉमा लगाएंगे, मैन के बाद क्या लगेगा, कॉमा लगेगा। ठीक उसी प्रकार ही शेड, शेड के बाद भी कॉमा होना चाहिए, क्योंकि बी वाले ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए बी वाला पार्ट में ही गलती दी गई है। तो यहाँ पर कौन सा पार्ट हो जाएगा, बी वाला पार्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। द कैरेक्टर्स बेट्रिस एंड बेंडिक, बेट्रिस एंड बेंडिक किसमें पाए जाते हैं, सभी लोग जानते हैं ये कैरेक्टर किसका है, मच अडो अबाउट नथिंग का है। तो मच अडो अबाउट नथिंग में कैरेक्टर पाए जाते हैं, सभी लोग जानते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है, वो क्वेश्चन है 41। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ ओड। देखिए जो मोस्ट फेमस फॉर्म है वो या तो पिंडारिक है या होरेशियन है, लेकिन एक तीसरा फॉर्म भी है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं इरेगुलर फॉर्म भी कह लेते हैं, लेकिन जेकोबियन जैसा कोई फॉर्म नहीं होता है, जेकोबियन एक मूवमेंट आया हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 41 में क्या ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो गया। डियर स्पायरेंट आप सभी अपना प्यार ऐसे बनाए रखिएगा, हम मिलते हैं पार्ट नंबर 2 में, आप सभी को ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।